बसमिल्लाम विद द नेम ऑफ अल्लाह टी द मोस्ट बेनिफिशिएंट द मोस्ट मर्सीफुल टुडे वी हैव एक्सक्लूसिव सेशन विद ऑनरेबल गवर्नर पंजाब अली गुरा रहीमान साहब ई इज़ वेरी रिनाउंड एंड ह्यूमन बीइंग इनकी बहुत कंट्रीब्यूशन है बहावलपुर से ताल्लुक है uh, सादक स्कूल से बहुत मशहूर वहाँ का पब्लिक स्कूल से पढ़े इंजीनियरिंग किया फिर पेनसला यूनिवर्सिटी से माशाला ग्रेजुएशन किया और फिर उसके बाद इन्होंने मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन को फेडरल गवर्नमेंट में मैनेज किया देखा और बड़ी इनिशिएटिव्स लिया एचीसी के टर्न अराउंड के हवाले से कंट्रीब्यूशन और ब्रिजिंग का कैप बिटवी अकेडमिया और उनका जो है इंडस्ट्री के साथ तो आज नो ही टुक द चार्ज ऑफ ए गवर्नर पंजाब तो हम इनके साथ आज एक छोटी सी सी क्लब की निश्चित है और इनसे हम सीखते हैं कि वट इज़ दिजन सर थैंक यू वेरी मच For your time, sir. Um, बहुत शुक्रिया जी थैंक यू फॉर योर टाइम एंड मोस्ट वेलकम बिल्कुल साहब बताइए कि वट इज दिजन व कॉन्स्टिट्यूशन रूल वट ऑफ दैलेंज गवर्नर वो किस मुलक के दो चैलेंजेस हैं सर जो मैं आज आपसे सीख के जाऊँगा एक लीडरशिप क्राइसिस बहुत सीरियस है और एक गवर्नेंस ये हर हर मीटिंग के एंड पे यही बोला जाता है कि यह गवर्नेंस इशूज है और यह लीडरशिप इशू है हाउ डू यू सी बहुत चैलेंज बिस्मिल्लानी आपका सवाल जो है वो जितना अहम है और उस वो उतना ही मैं समझता हूँ कि गौर तलब भी है और उसके लिए एलेबरेट करने के लिए वक्त भी चाहिए मैं नहीं समझता कि लीडरशिप क्राइसिस है मैं समझता हूँ कि एक मसनू क्राइसिस है ओके और हमारे पास मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ जैसी का दावर शख्सियात माजी में बेनज़ीर भुट्टो साहिब जैसी शख्सियात आज न्यूजीलैंड की प्राइम मिनिस्टर उनका हवाला दे रही हैं जाके यूनाइट नेशन्स में या हार्वर्ड में या मुख्तफ जगहों पे तो कई और आपको हेड्स ऑफ स्टेट उनके बारे में बात करते मिलेंगे ये एक कौमी एसेट्स होते हैं और इन कौमी असासों को देखिए मिया मोहम्मद नवाज शरीफ की आप अगर ज़िंदगी देखें तो उन्होंने न सिर्फ ये कि एक वन औरटेड शख्स लेकिन बहुत से लोग ऐसे होते हैं उनका वी होता है बट द फेल टू ट्रांसलेट देर वी एन इन टू दिन एक्शन और इन टू रियालिटी लेकिन इन्होंने मुल्क के लिए ऐसी खदमा अंजाम दी इदारे कायम किए ऐसे सेटअप्स किए जो हर तरह से बेहतर थे और हर तरह से आज पूरा मुल्क उससे फ़ायदा उठा रहा है मोटरवे से लेके जे सेवनटीन से ले कर और, और, और बहुत सारे और जो हैं वो चीज़ें जो हैं वो चल रही हैं तो बहरहाल आप, आप लीडरशिप का एसच एस क्राइसिस नहीं है क्राइसिस है उसके ऊपर एतमाद का और कुछ हलकों की तरफ से उनके ऊपर बाद पैदा करने का तो मैं समझता हूँ कि हमें अपने एसेट्स को अपनी लीडरशिप के ऊपर एतमाद करके अगर हम चलेंगे तो हम बहुत जल्दी जिस तरह का तब्वार में क्राइसिस से बाहर निकल रहे थे इस तरह निकलते चले जाएंगे लेकिन अगर हम लेग पुलिंग पे रहेंगे और अगर हम ये करते रहेंगे कि अपने नसासों को ख़राब करें या पूरी दुनिया के नज़रों में भी आ, एक एक बदनामी हिस्से में आए आ, तो हम खुद भी लूज़ करेंगे और ये मोल रोस् खास्ता लूज करेंगे ऑनरेबल गवर्नर प्लीज हमें इलाइटन कीजिए कि गवर्नेंस क्या होती है क्योंकि इसका हर दूसरा इस वक्त इशू जो है ना गवर्नेंस के साथ रिलेटेड बैड गवर्नेंस वाट आर द बेसिक प्रिंसिपल्स ऑफ गुड गवर्नेंस हाउ वी कैन टर्न अराउंड पाकिस्तान थ्रू गुड गवर्नेंस देखिए गुड गवर्नेस जो है ये बहुत अहम चीज़ रहती है और इसमें आपकी यू हैव टू हैव अ वीन यू हैव टू हैव द करेक्टेड ट्रेड्स आपने ईमानदारी से काम होना चाहिए आपकी मेहनत से काम होना चाहिए और आपको अपनी मंजिल का पता होना चाहिए और आपको ये पता होना चाहिए कि, कि किस तरफ चलेंगे एक एक शख्स बहुत ईमानदार हो बहुत अच्छा हो लेकिन उसकी अगर डायरेक्शन सही नहीं है या अगर डायरेक्शन भी वो एक चीज़ को लेके चलता है आपने एजुकेशन भी बेहतर करनी है आपने हेल्थ भी बेहतर करना है आपने लोगों की फलाह व बहबूद के काम करने हैं आपने अफसरों को अपनी अफसरशाही को भी से भी इस तरह काम लेने हैं कि उनकी इज़्ज़त और तकनीम भी हो लेकिन उनकी उनकी अकाउंटेबिलिटी भी हो तो ये सब चीज़ें साथ लेकर चलना जो है गुड गवर्नेंस के ज़ुमर में आता है और अगर आप ख़ुद तो अच्छे हैं लेकिन आपके नीचे करप्शन भी हो रही हो और बहुत से और मसाइल भी हो रहे हों तो कभी भी गुड गवर्नेंस नहीं खिलाई जा सकेगी आप देखते हैं कि जब जब मुल्क में गुड गवर्नेंस हुई तो उन्हीं रिसोस में रहते हुए हमने तरक्की की नए मनसूबे लगे और वो मनसूबे अवामी फलाह के मनसूबे होते हैं अगर मैस ट्रांसपोर्ट के मनसूबा होता है बदकस्मती से कुछ लोगों के दिलों में ये डाल दिया गया कि मैस ट्रांसपोर्ट शायद अच्छी नहीं है भाई ये तो पूरी दुनिया में ये मुसलम अमर है कि मीनस ऑफ कम्यूनिकेशन अगर इम्प्रूव करेंगे तो उसमें बहुत सी बेहतरी आएंगी जी ठीक सर आगे चलते हैं एक गवर्नर की एक वो चांसलर भी होता है पूरी अकेडमियों को देख रहा होता है एजुकेशन सारे जो यूनिवर्सिटीज़ को वो हेड भी होता है तो एक बहुत बड़ा गैप है क्योंकि जो कोविड के बाद ना हमारा कॉम्पिटेंस हमारा जो स्किल्स की टोटल ट्रांसफॉर्मेशन हो गई है सिंपल एजुकेशन जो है ना इज़ नो मोर रिक्वायर्ड वी नीड कॉम्पिटेंस बेस्ड एंड स्किल बेस्ड एजुकेशन इस गैप को ब्रिज करने के लिए वट आर यूर इनिशिएटिव जो तो पहले भी लिए फायर मिनिस्टर ऑफ एजुकेशन एंड ट्रेनिंग वाइट नो यूर द गवर्नर वट इज़ योर टेक ऑन दिस देखिए हम ये कभी भी नहीं कह सकते कि सिंपल एजुकेशन नहीं चाहिए सिंपल एजुकेशन तो आपको बेसिस प्रोवाइड वो बेस आ गई लेकिन उसके बाद आपको स्किल्स चाहिए आपकी डिजिटल स्किल्स आपको आज दुनिया में ओपनिंग्स दे रही हैं ट्रू उसके साथ साथ आपको करैक्टर भी चाहिए आप अगर ऐसे अपनी फौज तैयार करें कि खुराना खास था वो ऑनलाइन जा कर पूरी दुनिया के लोगों के साथ धोखे दें उनको सही टाइम पे चीज़ें कमिट ना करें मिस कमिटमेंट्स करें या उनसे पैसे ले और उनको वोट डिलीवर ना करें जो प्रॉमिस था तो आप बदनाम हो जाएंगे पूरी नेशन बदनाम हो जाएगी इसीलिए बहुत ज़रूरी है कि एजुकेशन में आपके पास सही स्किल्स होने चाहिए सही एजुकेशन होनी चाहिए उसकी डायरेक्शन सही होनी चाहिए और आपका जो प्रोडक्ट है जो आपके बच्चे हैं जो हमारा फ्यूचर हैं जो हमारा सब कुछ है उनकी उनकी उनकी, उनकी अखलाक उनका किरदार जो है वो बेहतरीन डेवलप होना चाहिए अल्लाह ताला ने हमसे काम लिया हमने 2018 से पहले स्कूल आ, करिकुलम बनाया जी और स्कूल करिकुलम जो है उसमें हमें इस्लाम आबाद के स्कूल में उसको लागू कर दिया था आने वाली हुकूमत ने वही करिकुलम पूरे मुल्क में फैलाने की कोशिश की अगरचे वन करिकुलम में भी एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है क्योंकि हमने ये ज़रूर कहा था कि यह करिकुलम हो लेकिन साथ साथ हमने सूबों को इजाज़त दी थी कि वो अपने करिकुलम में अपनी नीड्स के मुताबिक मॉडिफाई कर सकते हैं और पूरी दुनिया में प्राइवेट सेक्टर और पब्लिक सेक्टर मुख्तफ नीड्स के मुताबिक जर्मनी में गमनाजियम फील्ड अलग होती है बहरल ये एक टेक्निकल डिटेल्स हैं तो कहने का मकसद ये है कि उसमें आपको जहाँ पे बच्चे को कुछ इल्म देना है लेकिन सारा इल्म आप इकट्ठे नहीं दे सकते आपने उसको लाइफ लॉन्ग लर्नर बनाना है तो वो करिकुलम इस तरह डिज़ाइन किया गया था कि बच्चों को लाइफ लॉन्ग लर्नर बनने में मदद मिले तो बच्चे सीखते चले जाएं लेकिन साथ साथ उनकी जो करेक्टर वैल्यूज इतनी स्ट्रांग हो कि वो सच्चाई और बुराई में अच्छे और ख़राबी में राइट और तमीज तो कर सकें राइट और रॉन्ग में और अपने फैसले करते चले जाएँ अभी भी अब मैं अल्लाह ने मुझे दोबारा जो ये मौका दिया है गवर्नर uh, और इसमें मैं बी एज अ गवर्नर मैं आ, पंजाब जो इसकी सबसे बड़ा सूबा है सबसे ज़्यादा यूनिवर्सिटीज़ जहाँ पे हैं उसकी तमाम पब्लिक सेक्टर यूनिवर्सिटीज़ का चांसलर हूँ बिल्कुल ऐसे और तकरीबन तमाम प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ का पैटर्न चीफ भी गवर्नर रहता है तो आ, उनको भी हम उनके साथ मिल हम जिन एरियाज़ पर काम कर रहे हैं आ, मैं समझता हूँ कि हमारी फ्यूचर के लिए बहुत अच्छी एक डायरेक्शन साबित होगी जो हम सेट करके जाएंगे जिसमें हम कंस्ट्रक्शन बना रहे हैं हमारी हुकूमतें बहुत ज़्यादा बिजी होती हैं अपने फायर फाइटिंग में कभी कहीं पे फ्लड आ गया कभी कोई और मसाइल हुए कभी कहीं पे आ, कोई पॉलिटिकल इश्यूज चल रहे हैं आ, गब, लेकिन यूनिवर्सिटीज़ के अंदर हमारे पास ये महारतें मौजूद हैं और हम इन एक्सपर्ट्स को ले कर पूरा साल काम करना चाहते हैं हुकूमतों को रिकमेंडेशन देना चाहते हैं ताकि वो उनके ऊपर काम कर सकें और एक वे फॉरवर्ड डिटर्मिन कर सकें थिंक टैंक्स के तौर पे ये काम करेंगे और मैंने भी छः थिंक टैंक्स आइडेंटिफाई किए हैं और उसके ऊपर हमने काम शुरू कर दिया है एक एनवायरनमेंट पोल्यूशन और क्लाइमेट चेंज के ऊपर काम करेगा एक करैक्टर बिल्डिंग के ऊपर काम करेगा कि हमने करैक्टर वैल्यूज़ यूनिवर्सिटियों में भी कैसे इनकलकेट करनी है अगर हम अच्छे स्किल्स एक मेडिकल यूनिवर्सिटी में दें या किसी इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी में स्किल्स ट्रांसफर करें तो साथ साथ हमने एक अच्छा इंसान भी बनाना है जो सच्चाई पे आला अखलाक पे और आला अखलाक की कदरों पर यकीन रखता हो और वो और ये तमाम रिसर्च बताती है कि जो लोग कंफ्यूज नहीं होते और उनको अपनी डायरेक्शन का अपनी सीमत का अपनी मंजिल का पता होता है तो वो बहुत तेज़ से तरक्की करते हैं तो वो भी तरक्की करेगा कौम भी कौम के लिए भी बेहतर है पूरी दुनिया के लिए बेहतर है अच्छे ह्यूमन इन मेकिंग होते हैं तो हमने तीस एक कंस्टोशम हम एनवायरमेंट के अलावा आईटी आई पे हमने साइंस एंड टेक्नोलॉजी पे बना रहे हैं Uh, हम वमन एम्पावरमेंट और और वूमेन एजुकेशन पे बना रहे हैं और और कुछ कंसोशन ने काम भी शुरू कर दिया तो इन ये जो आ, हम इन बनाने जा रहे हैं आ, आप देखेंगे कि इससे भी एक अच्छी डायरेक्शन सेट होगी सर ये बड़ी अच्छी आपने इनिशियटिवस लिए थिंक टेंस के हवाले से एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है क्योंकि इस मुल्क के अंदर कहते हैं कि लीडरशिप क्राइसिस है जो आपने पहले इसका जवाब दिया मिया नाम वो तो ऊपर वाले हो गए नीचे वाले लेवल पे जो ग्राउंड लेवल पे लीडरशिप डेवलपमेंट के लिए पहला मेरा सवाल होगा कि वट इस लीडरशिप और आपने इकबाल का खेर सुनाया मुझे दोबारा सुनना है आपसे एक तो इसके अंदर हमने लिखा कि निगे बुलंद सुख दिल नवाज जानपुर सो सही या सफर मीरे का बली को सलमान साहब क्या कहते हैं और इकबाल लीडरशिप और इकबाल देखिए वो शेर शायद कुछ इस तरह है कि सबक फिर पढ़ सदाकत का अदालत का शुजात का लिया जाएगा तुझसे काम दुनिया की इमामत तो एक्चुअली इकबाल इसमें यह फरमा रहे हैं कि आपको यू हैव टू बी ट्रूथफुल यू हैव टू बी जस्ट एंड यू हैव टू बी ब्रेव इफ़ यू हैव दीज थ्री करैक्टर्स यू विल बी लीडिंग तो यही सब के लिए पैगाम है कि टू बी बिल्डिंग के अंदर आती है तीनों बिल्कुल ऐसे ही आप दुनिया में अगर आपने लीड करना है तो आपके अंदर ये करैक्टर ट्रेस जब आएंगे आपको आपका अपना वीएन होगा आपकी निगाह बुलंद होगी सुखन दिल नवाज होगा चल्ब और चल्ब आप चल्ब आपके दिल दिल में हमदर्दी होगी एक अवामी कम्पेशन होगा तो आप ये इकबाल की बड़ी अच्छी गाइडलाइंस हैं जो कि उनकी आइडियोलॉजी इस्लाम थी इस्लामिक इंस्पायर्ड उनकी पोइट्री है तो उसमें से आपको ये गाइडलाइंस मिलती हैं और ये बहुत ज़रूरी है दूसरा तो आप जो लीडरशिप क्राइसिस का जिक्र कर रहे हैं देखिए हर शख्स अपनी जगह पे एक लीडर हो सकता है और है लीडर आपकी यूनिवर्सिटीज़ के वाइस चांसलर्स अपने लीडर्स अपने लीडर्स हैं आपके स्कूलों के प्रिंसिपल अपने लीडर्स हैं आपके एक पेट्रोल पंप पे खड़ा जो मैनेजर है जो वहाँ पे मैनेज कर रहा है सबको वो अपनी एक टीम का लीडर है और लीडर जो होता है वो पाकिस्तान में तो जिस लेवल पे कंपैशन नज़र आता है जो फिलनथ्रोपी लोग हमारे करते हैं जो हमारे ऑर्गेनाइजेशन के लीडर्स होते हैं वो अपनी आप सी को डील कर रहे हैं ऐसी ऐसी ऑर्गनाइजेशन अभी यहाँ पर इंडस हॉस्पिटल डॉक्टर बारी साहब को जिम्मेदारी दी गई बनाया गया उसके लिए वो फरमाने लगे कि मुझे करोड़ों की आ, रकूम इमदाद में मिलती थी मैं यहाँ पे आया हूँ तो मुझे तो पहली और जिंदगी में बिलियन्स की मैंने देखी इमदादें मिली हैं एक-एक बिजनेस लीडर ने दो, दो तीन-तीन दो, ती 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 कि दो दो तीन तीन अरब रुपए दिए वो काम किया और तो का तो उन्होंने आइंदा के लिए कमिट किया देंगे हर साल बिल्कुल ऐसे वो प्राइम मिनिस्टर जब इनग्रेशन पे आए तो उन्होंने गोरे आजाद साहब से कहा कि आपने मजीदों उन्होंने ठीक है ना तो इसी तरह ये ये लोग बड़े कम्पेशन है सिर्फ वही शख्स दे सकता है अल्लाह की राह में और एक बेहतर अवामी फला की खातिर जिसके अंदर दर्द दे लो और अल्लाह का खौफ हो और, और उसके अंदर उसकी उसकी निगाह बुलंद होती है तो ये लीडरशिप मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान में तो इतनी मौजूद है ज़रूरत इस बात की है कि हमें एक एतमाद वाली फ़जा चाहिए हमें ऐसे लोग नहीं चाहिए जो एक मायूसी फैलाते हैं कहते हैं किसी भी कौम के साथ सबसे बुरा ये है कि आप उससे उम्मीद छीन लें और अगर कुछ लोग ऐसे हैं वो आके कहते हैं कि ये भी चोर है वो भी चोर है ये इधर भी चोरी है इधर भी डाक है और हर तरफ़ सारी तरफ़ हैं इस गलत पाकिस्तान में उतना ना था मैं उनसे बिल्कुल इतफ़ाक़ नहीं करता पाकिस्तान में जितनी अच्छाइयाँ आपको मिलेंगी जितनी ईमानदारी से काम करते लोग मिलेंगे जितने खैरत सदक़ात देते लोग मिलेंगे आज दुनिया की कई महज में नाम नहीं लेता कई महज कहलाने वाली कौमें ऐसी हैं कि थोड़ी देर के लिए सिक्योरिटी सिस्टम्स और लाइट ऑफ हो जाए तो लोग उनकी उनकी दुकानें भी शीशे तोड़ तोड़ के उनमें से चीज़ें चोरी करते नज़र आ रहे होते हैं और कई कौम दुनिया में ऐसी भी हैं जहाँ पर गाड़ियों की चाबियाँ भी बीच में मौजूद हैं और कोई चोरी नहीं कर रहा तो ये अलहमदिल्ला हमारा मुल्क में एक दूसरे का ख्याल चीज़ें नस्बता फिर भी बेहतर है बहुत बेहतर लेकिन हमें अपने ऊपर अहतमाद करना होगा एक अपनी डायरेक्शन सेट करनी होगी कंटिन्यूटी इन पॉलिसीज़ चाहिए किसी भी ऑर्गेनाइजेशन और किसी भी मुल्क को आगे ले जाने के लिए तो बदकिस्मती से बार बार की तब्दीलियां चीजें पोलिटिकल इंस्टेबिलिटी ये आ, ये हमें इन्फ्लेशन पीछे ले जा रहे हैं इसी का ही रिजल्ट इसी का है इसी का रिजल्ट है लिक देखिए इन्फ्लेशन आप 2013 से 2018 में हर साल के स्टेटमेंट ऑफ पाकिस्तान या गवर्नमेंट के फिगर्स या कोई भी फिगर्स आप उठा के देख लें हर साल इन्फ्लेशन जो है वो नीचे आई थी और, और इन्फ्लेशन जिसे हम कहते हैं कि अरेस्ट, अरेस्ट हुई थी और, में। और, और, और वो एवरी ईयर इट वाज मतलब पाकिस्तान की कम इंफ्लेशन की हुए तो हर साल तो कल हर, हर थार साल जीडीपी इंक्रीज हुई थी और हर साल जो है वो आपकी टोटल जो रिकॉर्ड हाई टैक्सेस जो हैं वो कलेक्ट हुए थे दो में जितना टैक्स कलेक्ट किया जा रहा था दो में उसका डबल हो चुका था काफ़ी स्टेबिलिटी आ गई थी सर आपने बड़ी प्यारी बात की कि मायूसी जो थी ना वो कौमों किसी जैसे छीन ली जाए तो बड़ा डॉक्टर सार साहब का जुमला आपको मैं डेडिकेट करूँगा वो एक जुमा पढ़ाने आते थे सलाम मस्जिद में बाग़े जनाव में सर तो एक उन्होंने आयत थी कुरानी पा के बिसमान तक न तो मिल अल्लाह की रहमत से मायूस नहीं तो उसका तर्जमा उन्होंने कुछ ऐसे किया मैं हर जगह से करता हूँ ये का वो जो है वो कहते थे डॉक्टर साहब कहते थे ना अल्लाह के बंदे मायूस होते हैं ना मायूसी फैलाते हैं देखिए बिल्कुल मतलब क्या खूबसूरत आपने बहुत अच्छा हवाला दिया और डिवाइन गाइडेंस जो है अल्लाह सुबह की तरफ, तरफ से जो होते हैं ना मायूसी फैलाते हैं ये मुकम्मल अल्लाह उनको करवर जना नसीब फरमाए उन्होंने हमेशा बड़ी अच्छी बातें की तो ये आपने बिल्कुल मेरा मुद्दा भी यही था कि हमें पुरुद रहना चाहिए और ये सिर्फ़ इसलिए तो पुरुद रहना ही रहना चाहिए कि अल्लाह का हुक्म है लेकिन उसके साथ साथ हम अपने अगर इर्गिर्द नज़र दौड़ाएं तो हमें बहुत सी ऐसी चीज़ें मिलती हैं बहुत से ऐसे अवामिल कार फरमा नज़र आते हैं जो हमें उम्मीद देते हैं जो हमें देखते हैं कि भी आज भी वो लोग मौजूद हैं जो तो कहते हैं कि हम टर्न अराउंड कर सकें आज की गवर्नमेंट क्या कह रही है टर्न अराउंड करना है जैसा और पॉलिसी कि हमने इसको इन इस, इस गर्दाब से निकालना है तो और टर्न अराउंड करने के लिए तजर्बा भी मौजूद है साहब का ट्रैक रिकॉर्ड भी बताता है कि ये जहाँ शहबाज शरीफ साहब कोशिश करते हैं और दिन रात एक करके मेहनत करते हैं देखिए इंसान काम कर सकता है नतज अल्लाह के हाथ में बीज लगाना आपका काम है पानी देना आपका काम है फल फूल लगाना अल्लाह का काम आंधियों से बचाना अल्लाह का काम है तो वाली का कम फाली देना था हाँ, पाल, पाल बस तो आप दिया जलाएं और फिर हमारे शाकिर सुजाबादी साहब एक साउथ पंजाब के शायर हैं वो कहते हैं उसके बाद फिर खुदा जाने और हवा जाने।, जाने आपका का काम तो दिया जलाना ये सर आखिर में शॉर्ट शॉर्ट क्वेश्चंस हैं सर मुश्किल फैसले बलीगुरिमान साहब कोई भी लीडर होता है ना वो जिंदगी में मुश्किल डिसीजंस करता है बलीगुरिमान साहब ने लाइफ में दो तीन कौन से मुश्किल फैसले किए देखिए मेरे लिए तो ये भी बहुत मुश्किल फ़ैसला था कि जब मुझे गवर्नर बनाया गया तो मैंने इसमें कि हाँ जब की तो मुझे पता था कि इससे मेरी ज़ाती ज़िंदगी बहुत मुश्किल हो जाएगी जब मुझे फेडरल मिनिस्टर बनाया गया तो वो भी मेरा ज़िंदगी का मुश्किल तरीन फैसला था मिनिस्ट्री में क्योंकि उस वक्त मैंने अभी तो मैंने, अभी तो मैंने अ, मुझे कोशिश करने का मौका ही नहीं मिल सका उस वक्त मुझे मौका मिला और मैंने कोशिश की कि मुझे मिनिस्ट्री ना दी जाए और मैंने रिक्वेस्ट की लेकिन जब मुझे कहा गया कि पार्टी लीडरशिप ज़रूरत समझती है और वो ठीक चाहती है और और मैं फिर जिम्मेदारी जब मिले तो उससे आ, मैं कभी भागा नहीं उसको फिर भरपूर अपनी आ, पूरी जो भी अल्लाह ताला ने तलाहित छोटी मोटी दी हैं उसको बुरकार लाते हुए फिर उसके लिए भरपूर कोशिश करते हैं है इन शर पंजाब को वे डू यू सी पंजाब एज अ सक्सेसफुल स्टोरी नेक्स्ट थ्री टू फाइव ईयर डाउन द रोड क्या विजन है सर देखिए वियन तो ये होता है कि वे डू यू वॉन्ट टू सी पंजाब इन इन पंजाबन पॉइंट इन टाइम जैसे आपने कहा फाइव ईयर्स फ्रॉम दैट्स वट आई वॉन्ट टू वे डू आई वॉन्ट टू सी दैट विल बी माई वियन एंड उसको अचीव करने के लिए हम अपनी कोशिशें कर रहे हैं तो हमारा वियन तो ये है कि ना सिर्फ पंजाब बल्कि पूरा पाकिस्तान जो है वो बहुत बेहतरी की तरफ जाए और हम ऐसा एक पंजाब देखें जहाँ पे हर बच्चा स्कूल जा रहा हो देखिए 2018 में बहुत कोशिशों से जो आउट ऑफ स्कूल बच्चों की तादाद कम हो चुकी हुई थी बदकिसी से अब फिर हो फिर बढ़ गई कोविड की वजह से हमारे जिन पेफ स्कूल्स में पैंतीस लाख इकतीस लाख बच्चे इनरोल हो चुके हुए थे आज चौबीस लाख हैं आज हालांकि चालीस लाख होने चाहिए थे लेकिन वो चौबीस लाख पे वापस आ गए तो मतलब इनरोलमेंट बच्चों की कम हो गई है आउट ऑफ स्कूल बच्चों की तादाद बढ़ गई है तो हम तो ऐसा पंजाब देखना चाहते हैं या ऐसा पाकिस्तान देखना चाहते हैं जहाँ पर एक बच्चा भी स्कूल से बाहर ना हो हर बच्चे को मायारी तालीम स्कूल में मिल रही हो कोई शख्स जो है उस ऐसा ना हो जिसको इलाज मैसर ना हो वाँ वाँ। और एक ऐसा माहौल हो जिसमें हुसन अखलाक जो अल्लाह ताला को बहुत पसंद है और उसमें अला किरदार वाले लोग जो हैं पाकिस्तानी हो हमारे स्टूडेंट्स दुनिया में जहाँ जाएँ उसके ऊपर कोई उंगली ना उठाए बल्कि लोग ये कहेंगे जनाब ये पाकिस्तान से आए हैं जहाँ पे अला अखलाक की चलती फिरती मिसाल और Uh, तो ये uh, चंद चीज़ें बहरहाल ओवरऑल गुड गवर्नेंस कॉर्पोरेट गवर्नेंस हमारी uh, माली मामलात हमारे कर्ज से हम निजात हासिल कर चुके हों और बेहतरी की तरफ रवा हूँ और, और जो एक, 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 एक ऐसा माशरा तश्ल पाए जो हुसन माशरत पे कायम हो क्या बात है सर हैप्पीनेस एंड सक्सेस ये बड़ा ये रिलेटिव टर्म्स हैं व्हाट योर डेफिनेशन ऑफ सक्सेस एंड हैप्पीनेस देखिए कामयाबी जो है ना ये आ, बड़े लोग इसको जोड़ लेते हैं कुछ आ, पैसों के हसूल से या माली मामलत से तो आ, और और फिर जब वो अचीव भी वो पैसे कर लेते हैं तो तब भी वो देखते हैं कि उनको वो खुशी मैसर नहीं आ सकी जो जिसकी वो तमन्ना कर रहे थे असल ख़ुशी इस दुनिया में अल्लाह ताला ने रखी है देने में और दूसरों का दुख दर्द बांटने में और दूसरों का ख्याल रखने में और आप अगर दूसरों का भला चाहेंगे तो ही आपको उसकी सही खुशी मिल सकती है और कहते हैं ना कि वोज अराउंड कम्स अराउंड कर भला हो भला जब आप किसी की बेहतरी चाहेंगे तो अल्लाह आपकी बेहतरी कर देगा ये निज़ाम कुदरत है अल्लाह हर चीज़ में है और इसमें दुनिया और आखरत की कामयाबी छुपी हुई है आप बेहतरी की कोशिश करें दूसरों की अल्लाह ताला आपकी बेहतरी करें फिर दुनिया और आप आप सीओ को रिप्रेजेंट करते हैं सी के साथ उठते बैठते हैं आप देख लीजिए जो सीईओ अपने अपनी वर्क फोर्स का ख्याल रखते हैं उनकी बेहतरी का सोचते हैं सोचे कारोबार है। इतनी तेजी से तरक्की करते हैं कि नो लुकिंग बैक और जो लोग सिर्फ अपने कारोबार बढ़ाने की एक के एक अल्टीरियर मोटिव्स लेके चलते हैं वो बेलाखिर वहीं पर घूम रहे होते हैं वो बड़ी इंटरनल विजन होता है उनका छोटा सोच होती है सर आखिर चले कि बुक्स जो होती हैं किताबें कहते हैं दुनिया में लीडर्स होते हैं ना देर द गुड रीडर्स लीडर्स आर द रीडर्स तो आप आप माशाल्लाह एक अल्लाह पाक ने आपको लीडरशिप की पोजीशन पे रखा है वर्दी गवर्नर दो तीन किताबें बताएं जो कि टर्न अराउंड करती हैं या इम्पैक्टफुल हैं आपकी शख्सियत के साथ देखिए मुझे अपने स्कूल डेज में आ, वैसे तो कुरान करीम एक डिवाइन गाइडेंस है और हदीस और कुरान से तो कोई मुकाबला नहीं हो सकता किसी भी किताब का लेकिन अदर देन रिलीजियस कंटेंट कुदरत शहा शहा मुझे अपने हाई स्कूल के डेज में पढ़ने का के हुआ तो मैं समझता हूँ कि उससे बहुत कुछ सीखने का मौका मिला और आज भी मुझे उसकी बहुत सी चीजें याद हैं चंद्रवती वाला चैप्टर तो याद है बिल्कुल वो, <laughs> वो वो भी वो भी याद है छोटा वो बड़ी बात अच्छा और दूसरी बात ये कि आज भी वो लोग जिन्होंने हमें इंस्पायर किया है या दुनिया में आज आज अमजद साकिब साहब का मैं अभी किताब पढ़ रहा हूँ आ, दर्वेश? चार दरवेश जो है <laughs> आ, तो वो भी बड़े लोगों की बड़ी बातें बताते हैं तो आ, ये आ, हम सब के लिए एक आ, अच्छी रीड्स भी साबित होती हैं और, 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 और से बहुत गाइडेंस भी मिलती है सर बताइएगा कि जो होता है कि स्ट्रेस जो होता है जिंदगी में आजकल जैसे एक स्ट्रेस एंगजाइटी हर बंदा के फैक्ट ऑफ लाइफ है वट एवर द रीजन को फाइनेंशियल रीजन है या नॉन हाउ डू यू कोपिंग स्ट्रेटेजी ऑफ वलीगु रहमान क्या है वलीगु साहब क्या करते हैं एक्सरसाइज करते हैं नमाज पढ़ते हैं या फिर सो जाते हैं कैसे योर कोपिंग स्ट्रेटेजी ऑफ मैनेजिंग स्ट्रेस स्ट्रेस को मैनेज uh, करने का तो uh, एक ही तरीका है कि अल्लाह का जिक्र करें तो उसमें तत्मा कुलू तो अल्लाह उसमें आपको आपको दिल का सुकून मिलता है और आप कोई सच स्ट्रेस फॉरम मैनेज हो जाता है मैनेज हो जाता है जी बिल्कुल सर ये चेहरे पे जो एक मुस्कुराहट है इसकी क्या राज है वट इज योर सीक्रेट ऑफ हैप्पीनेस जिक्र तो हो एक चीज पर पकड़ लिया हमने एक टिप आ गया हमारे पास देखिए आपका शुक्रिया आपको चेहरे की ये मुस्कुराहट अच्छी लगी और जी हम सब के ये हम सबके लिए जरूरी है है वरना ये पोजीशन ऐसी होती है बहुत स्ट्रेसफुल पोजीशन होती है अपेरेंटली सर हु वियर्स द हेड क्राउन ही नोज वेयर इट इज पिंचिंग यू वेरी राइट बहुत दफ़ा बहुत स्ट्रेसफुल सिचुएशंस रहती हैं है। आजकल भी बहुत पोलिटिकल खींचा चल रही है और बहुत से मामला आते हैं लेकिन अगर आपके सामने जो भी मामला आएँ आप अल्लाह की मदद मांग के उसे मैरिज पे करने की कोशिश करें तो अल्लाह की मदद आती है और आपको पुरस्कून रखती है सर गुस्सा आता है कैसे मैनेज करते हैं ये पाकिस्तानियों का जब से नंबर वन ट्रेड बहुत से गुस्से वालों को मैंने देखा है कि वो जवाब ये देते हैं कि नहीं मैं तो गुस्सा करता ही करते हैं तो, लेकिन बहरहाल मैं समझता हूँ सही है गलत कि मुझे निस्पतन कम गुस्सा आता है कम लेकिन जब भी गुस्सा आए तो मुझे फिर ये याद आ जाता है कि गुस्सा करना हराम है और उस उससे बहुत मदद मिलती है अपने गुस्से को खत्म करने या दबाने में तो क्यूँकी आजकल है इमोशनल इंटेलिजेंस रादर जो क्यू है ना तो ई की क्या इंपॉर्टेंस है फॉर अ लीडरशिप क्योंकि कहते हैं कि, कि आई क्यू इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट ई क्यू इज़ इम्पॉटेंट फॉर लीडर्स वट डू यू टेक हर चीज़ इंपॉर्टेंट है अल्लाह ताला ने कुछ लोगों में ज़्यादा फहम और फरासत रखी होती है ठीक। आ, कुछ लोग जो हैं उनके अंदर एनालिटिकल एंड क्रिटिकल एनालिटिकल स्किल्स ज़्यादा होते हैं आ, कुछ लोग फिजिकली स्ट्रॉग ज़्यादा होते हैं तो अल्लाह ताला ने हर शख्स को बहुत मुख्तलफ दिए हैं लेकिन जो ब्रेन एक ऐसी पावर है जिसमें बहुत ज़्यादा आप उस, 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 उसको जितना यूज़ करते हैं वो बढ़ती चली जाती है बहरहाल बींग इमोशनली स्टेबल इज़ ऑल्सो वेरी इम्पोर्टेंट और आजकल कल ई क्यू का बहुत ज़्यादा नाम लिया जा रहा है कई दफ़ा हम ये फेजेज़ आते हैं उसमें होता है कि ये चीज़ जी बहुत अहम है पर कुछ अर्से बाद कोई और रिसर्च आती हूँ कहते नहीं ये चीज़ बहुत अहम है तो मैं समझता हूँ कि शायद हम उसी फेज से गुजर रहे हैं हमेशा से इमोशनली स्टेबल होना एक बड़ी अहम चीज़ थी गुस्से को पे काबू पाना भी उसी का हिस्सा है और देखिए गुस्सा जो मेरी आ, आ, फाइंडिंग है वो ये है कि मिजाज का हिस्सा होता है कुछ लोग जब सेजिटेरियस का भी हिस्सा होता है अच्छा अच्छा कुछ लोग जो हैं वो मैं स्टार्स पे यकीन नहीं रखता रखा मैं भी नहीं कर रहा है कुछ लोग जो हैं वो ग़ुस्सा जब उनमें कुदरती तौर पे होता है और वो जैसे ही तो गुस्सा आता है मैं ऐसे लोगों को भी मैंने देखा है जो कि बड़े कामयाब इंसान हैं लेकिन वो नहीं उनमें गुस्सा आया उनका मुंह लाल हो गया लेकिन उन्होंने उन्होंने कंट्रोल कर लिया अपने ऊपर अच्छा और ऐसा जब्त किया है कि एक लफ्ज़ भी गुस्से वाला बाहर नहीं निकला और थोड़ी देर बाद मैंने देखा कि थोड़ी देर के लिए खामोश हुए और उसके बाद वो नॉर्मल हो गए तो ये और मैं समझता हूँ कि हम से बहुत बेहतर हैं वो लोग जिनका मिजाज का हिस्सा गुस्सा लेकिन उसको उस पर काबू पाते हैं वो और कुछ लोगों में गुस्सा वैसे ही काम आता है और उस पर भी जब आए तो अगर वो काबू पाएँ इसको अपना रिलीज़स ड्यूटी समझ के या एक ऑब्लिगेशन समझ के तो ये बहुत ज़रूरी है क्योंकि गु़स्से में हमेशा इंसान नुकसान उठाता है आ, मैंने आज तक कोई शख्स ऐसा नहीं देखा जिसने ग़ुस्से में अपने आप को लूज़ किया और कोई ऐसी हरकत की हो और बाद में वो ना पे रिगरेट में ना गया क्योंकि उसमें हमेशा वही शख्स है जिसने नुकसान उठाया अगर किसी ने गु़स्से में कोई भी कुछ गलत कर दिया या कह दिया तो वो इट हॉट्स बैक ठीक है और आप आप, आप ये देखें तो इसी तरह ज़िंदगी में एक चीज़ और बड़ी अहम है कि हम हम सब जब जाते हैं तो हमारे आगे क्रॉस रोड्स आती हैं हमें फैसले करने होते हैं दाएं या बाएं किधर जाना है तो आपके पास एक रास्ता होता है जो बिल्कुल हक सच सही रास्ता है और दूसरा रास्ता होता है जिसमें आपको आसानियाँ नज़र आती हैं पुरुफ रेब होता है वो और उस आप उसमें कुछ आपको गलत करना होता है तो जो लोग हक सच वाला रास्ता लेते हैं बाहिर वो कठिन नज़र आ रहा होता है जैसे ही उस पर चलते हैं इतनी आसानियाँ पैदा हो जाती हैं कि वो सोचते हैं कि मैंने सोचा ही क्यों था कि मैं दूसरा पुरफरेब की तरफ जाऊँ और जो पुरफरेब रास्ते पर जाते हैं जिनको उतना अच्छा लग रहा होता है और खूबसूरत और लेकिन जब उस पर जैसे ही वो सफर शुरू करते हैं उनकी ज़िंदगी में मुश्किल बढ़ती चली जा रही है सर लास्ट छोटी छोटी दो क्वेश्चन एक मैंटोशिप बड़ी इंपॉर्टेंट चो� है आजकल क्योंकि आजकल पढ़ाई अपनी जगह पर उसके नंबर हैं आपका रोल मॉडल को रोल इन दिस हैं जैसे तो आपने चार पांच मिसालें डॉक्टर अमजद डॉसर की इजाम्पल दी या डॉक्टर पारी की होज योर रोल मॉडल योर हुटोर सर देखिए वैसे तो बहुत ज़रूरी होता है कि किसी एक शख्स को अपना मैंटोर इंसान बनाए और उनसे सीखे आ, लेकिन मेरी कोशिश रही है और मैं समझता हूँ कि शायद ज़्यादा बेहतर तो यही हो कि किसी एक को बना लिया जाए लेकिन मैंने मुख्तलिफ चीज़ों लोगों से बहुत सी इंस्परेशन हासिल की हैं बहुत सारी चीज़ों में मी मोहम्मद नवाज़ शरीफ को देखा वो किस तरह चीज़ें कर रहे हैं और मेरे लिए वो बहुत मशे रहा थी डॉक्टर अमजद साहब के चुतरी का काम का तरीका देखा वो उसमें बहुत सारी चीज़ें मशे रहा थीं तकी ऊस्मानी साहब और, और कई बुज़ुर्ग हैं जब उनको देखा तो उन वो चीज़ें मशे रहा थी डॉक्टर बारी साहब जो हैं उन्होंने बड़ा इंस्पायरिंग काम किया है कई चीफ एग्जेक्टिव हैं यहाँ पर मियाँ एहसन साहब हैं और लोग हैं जो बिलियंस ऑफ़ रुपीस की फ़िलनथ्रॉपी करते हैं तो उनको देख के बहुत तकवीत मिलती है और अभी हाल ही में मैंने जो करेक्टर्स के ऊपर किरदार साजी पे हम जो यूनिवर्सिटीज़ में रिड्यूस कराने जा रहे हैं उसके लिए मुझे अभी एक कोर्स लेने का इतफ़ाक़ हुआ है सुलेमान अहमद साहब से तो उनसे भी बहुत कुछ सीखा है और, और उनसे वी के हवाले से बहुत सीखा है जी

देखिए विमेन हमारी फिफ्टी परसेंट पॉपुलेशन लगभग नीचे होती रहती है परसेंटेज वाइज थोड़ा बहुत फ़र्क है तो वो ख़ीन पर मुश्तमिल है और उनका कंट्रीब्यूशन हर लिहाज से अहम रहता है ख़ुतान ने सिर्फ उनके आ, किसी फैक्ट्री में जा कर काम करने को काम ना समझा जाए ठीक अगर एक खातन घर में रह के भी सुबह से शाम तक अपनी फ्यूचर जनरेशन के ऊपर काम कर रही है और उनको खाना बना के दे रही है उनके अखलाक और किरदार को तरबीत कर रही है तो उसको भी काम समझा जाए और आ, कुछ लोग घर में भी अगर फजूल बैठे हैं और कोई काम ही नहीं कर रहे आ, तो उनको काम करने की ज़रूरत है घर में या बाहर में तो उनकी जो कंट्रीब्यूशन हैं वो कहीं ना कहीं होनी चाहिए हो। और अभी हमने जो एक कंसोशियम बना रहे हैं वो वेमेन एम्पावरमेंट और वेमेन एजुकेशन पर भी बना रहे हैं पाकिस्तान में एक तजर्बा किया गया रावलपिंडी में जो साहबका प्रेसिडेंसी थी उसको फातमा जिना वेमेन यूनिवर्सिटी में नवाज शरीफ ने जब कायम की तो उसके बाद दे वज़ ना लुकिंग बैक हमने अपने बाकी, अद, बाकी बाकी अदवार में कई और वेमेन यूनिवर्सिटीज़ बनाई हैं और हमने देखा है कि बहुत से ख़ानदानों में बारहवीं जमात के बाद अपनी बच्चियों को यूनिवर्सिटी नहीं भेजते थे और वो कहते थे कि हमारी बच्ची जो है हमारी यंग चाइल्ड जो है अभी माशरे में अकेली जाएगी आएगी या वहाँ पे कॉलेज में पत्नी से क्या सलूक हो लेकिन जब उनको वेमेन यूनिवर्सिटीज़ की तसली मिली वो बच्चियाँ गईं और हम देखते हैं वही फैमिलीज़ जिनकी बच्चियाँ वेमेन यूनिवर्सिटी में वेमेन ओनली यूनिवर्सिटीज़ में पढ़ के ग्रेजुएट करके जब निकली हैं तो वो फैमिलीज़ कहती हैं जाओ बेटे अब तुम इतनी मेच्योर हो चुकी हो जाओ अपनी जॉब करो फेस ऑफ वर्ल्ड ना काम करो अपना बिजनेस शुरू करो तो उससे भी बहुत बड़ी वेमेन एम्पावरमेंट मिलती है बहुत और यकीनन आ, इन तमाम चीजों में पूरे मुआरे के लिए बहुत जरूरी है कि खातन का पूरा एहतराम करें और ये चीज सब करेक्टर डेवलपमेंट जिसके ऊपर मजीद है, काम कर करेंटी उसका हिस्सा है कि हम एक दूसरे की को ड्यू रिस्पेक्टते हैं उसका सर लास्ट क्वेश्चन ऑप्टिमिज्म होप आपने बड़ी प्यारी शुरू में बात की थी उम्मीद सीधी जाती है जब किसी को हमसे कोई दुश्मनी करता है तो सर ये होप और जो ऑप्टिमिज्म है क्या मैसेज है यंग बड़ी बेरोजगारी है अनएम्प्लॉयमेंट इज नंबर वन कर्ज फॉर द यंग पीपल देखिए मैं अपने नौजवानों को ये कहना चाहता हूँ कि उम्मीद जो है उसका दामन कभी हाथ से ना छोड़ें और अल्लाह ताला के यहाँ बहुत वसाइल और मौाक़ और आपके लिए बहुत ज़्यादा हैं और आप दुआ भी करें और देखें कि आज नौजवान बच्चे अपने डिजिटल स्किल्स के जरिए या, या असर हाजिर के जो नॉलेज है उसके हवाले से वो पूरी दुनिया में कितना रेलिवेंट होते जा रहे हैं और आज बच्चे बहुत ज़्यादा पैसे भी कर, बना रहे हैं वो कमा भी रहे हैं फेयर मीन्स के ज़रिए और वो काम भी कर रहे हैं तो इन शाला आपद रहेंगे तो आपको जॉब्स का सिलसिला अपने कारोबार का सिलसिला आपकी कंट्रीब्यूशन का सिलसिला जारी रहेगा लेकिन उम्मीद का दामन कभी मत छोड़िएगा सर थैंक यू वेरी मच हमने आज की जो की लर्निंग थी जो आज सर से हमने बलीगढ़ साहब का जो एक इंसाइटफुल एक कॉन्वर्सेशन मैं कहूँगा जिट इज़ नॉट सिंपल कॉन्वर्सेशन इट इज़ अ वेरी मीनिंगफुल कन्वर्सेशन तो की थिंग्स वी लर्न नंबर वन जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि वो इकबाल की उन्होंने जब बात की थी कि सबक पर फिर सदाकत का अदालत का शुजात का ये जो, जो बेसिक एबिलिटीज हैं किसी लीडरशिप के अंदर उसके अंदर सच होना चाहिए उसके अंदर बहादुरी करेज होना चाहिए टू कंकर द वर्ल्ड सेकेंड जो चीज़ हम आ रहा जो टेक अवे है बींगा गवर्नर एंड द चांसलर ऑफ द ऑल द पब्लिक सेक्टर यूनिवर्सिटीज कि वो करैक्टर बिल्डिंग को करने के अनफॉर्चुनेटली हमारी जो डिजिटल और चीजों ने ना हमारे एथिकल डायलिमा एथिक्स का इश्यू क्रिएट कर दिया और वो सिर्फ करैक्टर बिल्डिंग से ही आएगा और तीसरा जो इन्होंने बहुत बड़ा इनिशिएटिव लिया है जो कि पाँच जिन्होंने थॉट लीडर्स जिसको हम थिंक टैंक्स कहते हैं उसके कंसोशन बनाएं जिसके अंदर वो एक वो अपना पूरा एक विजन नेक्स्ट फाइव ईयर्स अल्लाह ताला इनको जिंदगी दे और ये देखें अपना ये जो टर्न अराउंड पाकिस्तान जिसमें आई टी टेक्नोलॉजी वुमन एम्पावरमेंट और जिसके अंदर ये ये जो अकेडमियाँ और ये जो इंडस्ट्री का जो लिंकेज है ताकि हम एक मीनिंगफुल एजुकेशन की तरफ जाएँ और इस मुल्क के अंदर ये जितने भी इश्यूज़ हैं रिगार्डिंग अनएम्प्लायमेंट है रिगार्डिंग जो और कोई नेगेटिविटी है इंटॉलरेंस है, तो उसको हम मैनेज कर सकें तो हमारा स्पेशल नोट ऑफ ग्रेटिट्यूड फॉर द वर्डी ऑनरेबल गवर्नर बलीकुल रहमान साहब सर थैंक यू वेरी मच आई एम रियली ऑनर्ड सर आई रियली थैंक यू वेरी मच थैंक यू